अभी तक आपने ग्वालियर चंबल अंचल में कैश गहने लूटते देखे होंगे, लेकिन कोई आपसे कहे कि अब भैंस भी लूटने लगी है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। गांव देहात में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, लेकिन अब शहर में भैंसों की डकैती होने लगी है। बात 2 दिन पहले की है। शहर के गोला का मंदिर नारायण विहार कॉलोनी में आधी रात नकाबपोश आधा दर्जन बदमाश 3 भैंसों को खोल कर ले जा रहे थे। जब भैंस मालिकों की नींद खुली तो बदमाशों ने अधिया और कट्टों से 2 से 3 फायर किए। इसके बाद वे भैंसों को लेकर भाग निकले। लूटी गई भैंसों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। घटना के बाद नारायण विहार में दहशत का माहौल है। बदमाशों की हरकत वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित परिवार ने गोला का मंदिर थाने में मामले की शिकायत की है। शहर के मुरैना रोड स्थित नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले रमेश मांझी ने बताया कि देर रात वह अपने घर के अंदर सो रहे थे, तभी नकाबपोश 4 से 6 बदमाश उनके घर पहुंचे। बदमाशों ने एक दीवार की धीरे धीरे कर ईंट हटाते हुए उनके घर के अंदर बने बाड़े से 3 भैंसों को बाहर निकाल लिया। भैंस मालिक रमेश को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने चिल्लाते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर फायर ठोक दिए। 4 बार फायर करने के बाद रमेश ने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाई, लेकिन बदमाश उसकी एक भैंस ले जाने में सफल रहे। इसके बाद कुछ दूरी पर रहने वाले महावीर सिंह तोमर की 3 लाख की कीमत की 2 भैंसें बदमाश लेकर फरार हो गए। यहां भी बदमाशों ने फायरिंग की है। भैंस लूटे जाने और फायरिंग से लोगों में दहशत है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें बदमाशों की हरकत आते जाते कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश अधिया बंदूक लिए भी दिखता नजर आ रहा है। फरियादी का आरोप है कि जब वहां सीसीटीवी कैमरे के साथ थाने में शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसे थाने से वापस लौटा दिया, जबकि बदमाशों से संघर्ष के दौरान एक बदमाश को पहचान भी लिया था। रमेश के लिए भैंस ही एकमात्र जीवन यापन का स्रोत है। जब इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो उन्हें मामला संज्ञान में होने की बात कहते हुए जल्दी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। अरे भैंस चोरी हो गई 2 कम से कम 3 लाख रुपए। चोर रात में आए, वो छोड़ के ले गए, मायाराम पहचान में आ गया है फुटेज में। अच्छा, उसको कार्रवाई नहीं करती उन्होंने। अभी सीसीटीवी फुटेज अभी मेरे समक्ष नहीं आए हैं और नहीं इस प्रकार की शिकायत मेरे समक्ष की गई है, और अगर इस तरह की कोई बात होगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाएगा कि अगर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आती है सीसीटीवी में, अगर फुटेज में ये बात सामने आती तो उस पर तत्काल वैज्ञानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें दीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल देयर।